क्वेश्चन में आपको एग्जांपल बता रहा था गन बुलेट सिस्टम का। गन से लगातार बुलेट्स निकल रही हैं, हर एक बुलेट का मास दे रखा है, हर एक बुलेट का मास दे रखा है स्मॉल एम, बुलेट की स्पीड दे रखी यू, सारी आइडेंटिकल बुलेट्स हैं, और इस टाइप की एन बुलेट्स पर सेकंड निकल रही हैं, एन बुलेट्स पर सेकंड। मालूम है जैसे AK-47, AK-47 का नाम AK-47 इसलिए है क्योंकि उससे 1 सेकंड में 47 बुलेट्स निकलती है, AK-53 53 बुलेट्स निकलती है पर सेकंड। तो जब गन से बुलेट निकलती है तो आपको मालूम है गन बुलेट पे फॉरवर्ड और बुलेट गन पे बैकवर्ड थ्रस्ट लगाती है। तो अब वो बैकवर्ड थ्रस्ट कितना है, मतलब अगर पूछा जाए कि बुलेट ने गन पे पीछे कितना धक्का लगाया, तो गन को होल्ड करने के लिए कितना फोर्स लगाना है, तो अगर गन को होल्ड करना है स्टेशन रखना है तो उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा जितना बुलेट गन पे पीछे लगा रही, उतना ही आपको होल्ड करने के लिए लगाना पड़ेगा। तो वो फोर्स कैसे निकालेंगे, हम मान के चलेंगे कि गन का जो सिस्टम है वो एक वेरिएबल मास सिस्टम है और उससे लगातार जो है गन तो रेस्ट में बुलेट्स निकल रही हैं तो गन का मास घटता जा रहा है। तो VdM/dt का फोर्स लगाते हैं, VdM/dt वेरिएबल मास सिस्टम का फोर्स लगता है, हमें मालूम है थ्रस्ट फोर्स। तो अब जैसे रॉकेट से गैसेस इधर निकल रही थी, अब थ्रस्ट ऊपर लग रहा था, बुलेट इधर निकल रही फॉरवर्ड तो गन पे फोर्स पीछे लग रहा है, कितने से, वी रिलेटिव DM/dt, तो बुलेट कितने से निकली, यू, यही रिलेटिव वेलोसिटी होगी गन तो रेस्ट में, मल्टीप्लाई बाय DM/dt, 1 सेकंड में कितना मास चेंज हुआ, तो भाई 1 सेकंड में जितनी बुलेट्स निकल गई उनका सबका मास चेंज हो गया, तो उतना ही तो हमारे सिस्टम से मास चेंज हुआ। तो 1 सेकंड में कितनी बुलेट्स निकली, तो 1 सेकंड में निकली थी एन बुलेट्स और हर एक बुलेट का मास कितना था, एम। तो NM ये हो गया 1 सेकंड में जितना इस गन बुलेट सिस्टम का मास चेंज हुआ DM/dt, और उसमें हम लोगों ने वी रिलेटिव तो मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास गन पे फोर्स आ गया NmU। तो मान लो आपको क्वेश्चन दे रखा हो कि 1 सेकंड में 50 बुलेट्स निकल रही, तो आप एन रख दो 50, हर एक बुलेट का मास 10 ग्राम दे रखा हो तो आप उसको रोक दो 10 × 10^-3, हर एक बुलेट की स्पीड दे रखी हो 500 मीटर पर सेकेंड, आप वहां पे जू पे रख दो, तो जो सिस्टम पे फोर्स निकल के आएगा गन बुलेट सिस्टम में, गन पे फोर्स निकल के आएगा उसका फॉर्मूला बनेगा NmU। निकाला कैसे हमने, वेरिएबल मास सिस्टम की कॉन्सेप्ट से। इसी ऑर्डर में सीरीज में एक और क्वेश्चन कर